हेलो दोस्तों, तो आइए मैं आज आपको HP Envy का अनबॉक्स करके मैं दिखाता हूँ। ये मेरा मॉडल नंबर है HP Envy BF00780U। ये मॉडल है, इसे मैं आज अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ। इसमें क्या क्या कंटेंट है, कितने चीज़ें हैं इसके अंदर, मैं उसे देखता हूँ। अब ये सील पैक है, मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। ये मैं नाइफ लगाता हूँ और मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ। आराम से स्लोली, फाइबर बहुत ये है। और जैसा कि मैंने ये खोल लिया, ये रहा, अब देखता हूँ इसे, देखते हैं। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओह माय गॉड, ये रहा मेरा लैपटॉप जिसे मैंने खरीदा है अभी। देखने में तो अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने देखा नहीं था उस वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे डेमो में ही देख के आया। लेकिन मेरा लैपटॉप कैसा दिख रहा है ये अभी मैंने देखा, तो मैं देखता हूँ इसमें क्या क्या है। ये मेरा लैपटॉप है और इसके अंदर कुछ होगा, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पे ओ चार्जर, एक बॉक्स है, इस बॉक्स में ओ पेन है, और ये रहा चार्जर, चार्जर एडाप्टर, ये रहा चार्जर एडाप्टर। ये सी टाइप का चार्जर है लैपटॉप के साथ। चार्जर का वायर बहुत अच्छा है ना इसको। चलिए ठीक है, मैं आपको एक एक करके फिर मैं दिखाता हूँ खोल करके। इसमें रखता हूँ, ये पेन है, पेन को मैं दिखाता हूँ, देखता हूँ कैसा है इसमें। ये मैंने पेन को खोला, ओह माय गॉड, ये रहा पेन, ये है हमारा पेन, और ये मेरा पेन है। ये इसमें मैग्नेट रहता है तो लैपटॉप के साथ ये, और ये दो नीडल होती हैं जो कि रिप्लेसमेंट के लिए, अगर ये नीडल मेरा ख़राब हो जाता है तो इसको रिप्लेसमेंट करने के लिए दो नीडल इसमें एक्स्ट्रा है एज ए बैकअप। चलिए फिर इसको भी रखूँगा, अभी अभी इसको साइड करते हैं, पहले लैपटॉप देखते हैं। लैपटॉप के प्रति मैं एक्साइटेड हूँ, उसमें क्या क्या है अंदर, कैसा लैपटॉप लग रहा है। मैंने अभी देखा नहीं अपना लैपटॉप, सिर्फ डेमो देख के आया हूँ। चलिए फिर मिलते हैं, इसको देखते हैं, एक मिनट। हाँ इसको रखा, ये रहा मेरा लैपटॉप, और ये पूरा पैक है। ओह माय गॉड, ये ठीक है, ज़्यादा कोई लाइट वेट है और स्लिम इतना ज़्यादा है ना, ये मैकबुक के जैसा है। मतलब क्या होल्ड, मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब देख के ऐसे पैसे लगे हैं तो अच्छे ही लगेंगे लोगों को, मुझे भी अच्छे लग रहे हैं। चलिए और इसके अंदर क्या है, और ये रहा एक पैकेट में एक लिफाफा है, इसे मैं देखता हूँ किसमें क्या है। और ये रहा, ये HP का, ये कुछ लिखा हुआ है पता नहीं, मैं देखता हूँ इसमें। इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, इसमें प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो मैं इसे भी खोलता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या है। मैंने इसे मैं ओपन करता हूँ, हाँ इसमें से क्या निकलता है। आई होप इसमें मैनुअल होना चाहिए। हाँ HP का ये सेटअप इंस्ट्रक्शन है, जो मैं सेट जब इसको सेटअप करूँगा तो इसका सेटअप इंस्ट्रक्शन है। तो ओवरऑल ये है, ये रहा सेटअप इंफॉर्मेशन। या यहाँ पे वो दिखाया है कि टाइप सी चार्जर को कनेक्ट करने का, पावर ऑन करने का, फिर 5 to 6 ये कैमरा ऑन ऑफ करने का, फिर ये हो गया। वो एक एक करके मैं, ये सारे स्टेप्स आप देख सकते हैं, वेरियंट है, कैसे फोल्ड करते हैं, क्या स्क्रॉल है, ये सारे हैं। ये फोल्ड इस टाइप से होंगे, मैं देखूंगा इसे खोलने के बाद, मैं आपको दिखाता हूँ कितने डिग्री तक होता है, कैसे होता है। और ये रहा ओवरऑल मैनुअल। चलिए मैं इसको अंदर रखता हूँ, फिर इसे फिर लैपटॉप में देखता हूँ। चलिए इसको साइड करते हैं, ये रहा मेरा लैपटॉप। और इस डब्बे में तो और कुछ नहीं है सिवाय एक चार्जर, और इसके अंदर ये पैकेट अच्छा है, बस यही है। तो इसको मैं अंदर रखता हूँ, और इसे मैं चार्जर को, पेन को मैं बाहर रखता हूँ, और ये रहा मेरा चार्जर। इतने सारे सामान मेरे को इस पैकेट के अंदर मिले, और मैं पैकेट को साइड करता हूँ। चलिए हाँ दोस्तों, देखिए ये मेरे को ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट जो मेरे को मिला है, मैं पेन को बाहर निकाल लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा लगे दिखने में, मेरे को भी अच्छा लग रहा है पेन दिखने में। और पेन के अंदर ये रहा पेन, और आई होप ओके मिल गया, ये पेन है। इसका नीब है, देख सकते हैं, ये जो नॉब है इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से खींच करके,
तो नया नया इसको यहाँ पर रखते हैं। ये पेन हुआ और ये पेन का मैनुअल, हाँ ये पेन का मैनुअल है जो एचपी की तरफ से आता है। इसको किस टाइप से इसको चार्ज लगाना है, क्या करना है, नॉब कैसे चेंज करते हैं, सारे इसमें है इंस्ट्रक्शन, मैं इसको फॉलो करूँगा ये नोटपैड पर जो चलाने के लिए। चलिए फिर देखता हूँ लैपटॉप, अब मैं ओपन करता हूँ लैपटॉप, अभी सील पैक ही है और मैं इसे ओपन करने जा रहा हूँ। ये रहा, ये नॉब को खींचना पड़ेगा। हाँ इसे मैंने खोला और ये मैंने फाइल को ऊपर किया, ओके आई होप ऐसे ही निकल जाएगा। और इसे मैंने निकाल लिया, ये फाइल के जैसा बाहर आ गया। ये मेरा रहा लैपटॉप का बैक, आप देख सकते हैं ये लैपटॉप का बैक है 12। और ये हल्का इसको मेटेलिक ग्रीन बोल सकते हैं, ग्रीन ऐसे लिखा जाता है लेकिन ये ग्रीन टाइप का ही है। ये बड़ा यूनिक कलर मेरे को लग रहा है, कुछ यूनिक है, सबसे हटके और अच्छा सा कलर लग रहा है मेरे को। लाइट मतलब ऐसे देखने में आप दूर से देखिएगा ब्लैक जैसा फील हो रहा है, लेकिन ब्लैक है नहीं, मैजिक से देखिएगा तो लाइट और शाइनिंग बहुत तगड़ी है। और यहाँ पे एक रबड़ का थोड़ा सा अच्छा लगता है लुक। और इसे मैं अभी खोलता हूँ, देखता हूँ क्या है इसके अंदर। ओके ये रहा मेरा लैपटॉप खुल गया और इसमें अभी देखते हैं, ये उसका कीबोर्ड, ये स्क्रीन का गार्ड टाइप का है कुछ रखा हुआ था कीबोर्ड को सेव करने के लिए। और ये मैंने हटाया और ये देखिए ओवरऑल दोस्तों, ये रहा मेरा लैपटॉप, नया लैपटॉप जो मैंने अभी ख़रीदा है। आप देख सकते हैं इसका ये व्हाट्सअप नंबर है जो एचपी सपोर्ट के लिए, इससे ये सब सारे मेल आईडी है। इधर हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसको एक्टिवेट करने के लिए, इसको एक्टिवेट करेंगे। इंटेल ईवो है, i5 है, B&O। और इसमें एक चीज़ है मैंने देखा, इसमें वो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं है, फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, बाकी ये टच स्क्रीन तो है ही। और ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, अभी तक तो अच्छा रहा है। अभी चालू करेंगे उसको और देखेंगे क्या है। और इसके अंदर देखिए आप देख सकते हैं, इसे मैं इसे फोल्ड कर सकते हैं, ये फ्लैट पूरा हो जाएगा और इसे फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद कैसा दिखता है, जैसे मैं अभी फोल्ड कर रहा हूँ, मैं फोल्ड करके अगर इसे ऐसे रखता हूँ तो एज ए टच पैड मैं यूज कर सकता हूँ। और ये पूरा 360 डिग्री वो मूव कर जाता है, ये टोटल मूवमेंट हो गया पूरा 360। आप देख सकते हैं ये पूरा टैबलेट के जैसा, और ये बैक स्क्रीन, ये बैक हो गया बटन का। तो अगर आप फोल्ड कर देते हैं ना तो इसका ये बटन काम नहीं करता जैसा देखा। अभी देखते हैं हम लोग इसे चालू करते हैं, अभी तक तो अभी फिजिकली मैंने इधर उधर देखा सारा कि मेरा कहीं क्रैक व्रैक तो नहीं है सामान लेने के बाद, क्योंकि मैंने देखा नहीं था। तो अभी से मैं सही से इसे फिर सीधा करता हूँ और पावर ऑन करके करते हैं, उसके बाद इसका रिव्यू देखते हैं कैसा चलता है, कैसा आता है, साउंड क्वालिटी क्या है, ये सब सारी चीज़ देखने। चलिए मैं पावर ऑन करता हूँ। ये रहा मेरा पावर बटन, ये जो सिंबल दिख रहा है ये पावर बटन है, इसे मैं प्रेस करता हूँ। मीडियम से प्रेस कीजिएगा तो इसमें एक आ जाता है। और इसके कीबोर्ड में लाइट भी है ताकि आप नाइट में भी काम करें तो लाइट इसके अंदर है, तो इससे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ। और इसे मैंने लॉगिन किया और ये मैंने, ये मेरा सिस्टम प्रॉपर ऑन हो गया। एक अच्छी सी आवाज़ आई है, और स्टार्ट होने के बाद एक आती थी विंडोज़ की जो पहले वाली आवाज़ थी उससे डिफरेंस है, थोड़ा अलग आवाज़ दिया गया अभी विंडोज़ पे। और मैं अभी यहाँ पे हूँ, आप देख सकते हैं ये टच है, आप देख सकते हैं ये टच हो रहा है, मैंने हाथ से कर रहा हूँ, ये देखिए टच है। मैं जहाँ चाहूँ, अगर मैं ये मान के चलिए मैं विंडोज़ को क्लिक करता हूँ, ये खुल गया। मैं टीम्स हैं, ये टीम इनबिल्ड आ रहा है अभी अभी विंडोज़ ये फैसिलिटी निकाला कि सारे चीज़ इनबिल्ड है। ओवरऑल मैं मुझे ये देखिए फाइल एक्सप्लोरर मैंने खोला, ओवरऑल मेरे पास ये है, ये डेस्कटॉप का फीलिंग है, ये पीसी है, इसमें एक सिंगल ड्राइव है सी ड्राइव जो कि वही 476 GB है ओवरऑल, जिसमें कि अभी मेरे पास 431 GB इसमें कुछ नहीं है सिवाय ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो अभी मेरे पास इतना यूटिलाइज करने के लिए 431 GB मेरे पास है, ये सारे हो गए। तो देखिए मैंने अभी अभी जस्ट इसको इंटरनेट से भी कनेक्ट किया, मैं अपने घर के नेटवर्क पे और यहाँ से मैंने कनेक्ट किया और ये मेरा कनेक्ट हो गया। ओवरऑल
यहाँ पर देख सकते हैं ये बैटरी सेवर ये सब सारा है, लेकिन इसे अभी अभी छोड़ते हैं। अभी इसका लैपटॉप का साउंड क्वालिटी देखते हैं और कैमरा का, जो ये कैमरा है ना, यहाँ पे पहले फिजिकल आता था कि स्क्रॉल करके इसको बंद करते थे फिजिकली, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, कोई फिजिकल ये नहीं दिया है कैमरा को बंद करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है ना, एक शटर है, यहाँ पे एक बटन है कैमरा का, ये कैमरा ऑफ करने का। तो इसको ऑफ करने के बाद ना आपको इसको प्रेस कीजिएगा ना, तो वहाँ एक शटर जैसा वो दिखेगा आपको, दिखाते हैं। देखिए आपको मैं ये प्रेस करता हूँ, वहाँ पे देखिए एक वाइट कलर का ये स्लैश 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 आ गया, और इसे मैं अभी ऑन करता हूँ तो देखिए वो हट जाएगा। तो इस टाइप से वहाँ पे कैमरा का दिया है, फिजिकली नहीं दिया, ये सॉफ्टवेयर से है तो इंटरनली वो हो रहा है, तो ऐसा शटर टाइप का, तो कैमरा ऑफ हो जा रहा है। और यहाँ पे देखते हैं, और देखिए मैं अभी इंटरनेट से कनेक्ट किया हूँ, तो मैं आपको साउंड क्वालिटी भी इसका दिखाता हूँ। तो मैंने एक सॉन्ग अभी खोला है जस्ट आपके लिए, और इसे मैं अभी चालू करता हूँ और साउंड क्वालिटी देखिएगा। तो अभी मैंने साउंड को कम रखा है, यहाँ से ये मेरा बटन है, ये मेरा वॉल्यूम करते हैं, और ये फुल HD स्क्रीन है, ये HD स्क्रीन है जो मेरे को मिला है, और प्लस गोरिल्ला ग्लास है इसके ऊपर, तो ये HD गोरिल्ला ग्लास का है, तो अच्छी खासी है। अभी यहाँ से तो अच्छा लग रहा है मेरे को, कैमरा में पता नहीं कैसा आ रहा होगा, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी, क्लियर क्वालिटी है, और इसका पिक्सल भी बहुत अच्छा है। और इसे मैं देखता हूँ, अभी पॉज करता हूँ और देखते हैं। और ये क्वालिटी तो आप देख लिए साउंड का, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कुछ कुछ बटन है, जैसे कि ये ब्राइटनेस का मैं अभी दिखाता हूँ, ये सॉन्ग का अभी ब्राइटनेस मैं दिखाता हूँ। अभी मेरा ब्राइटनेस फुल है, आप देख सकते हैं ये फुल है, ये ब्राइटनेस जो अभी है आपको दिख रहा है जो फुल है, मैं इसे कम करता हूँ, मिनिमम पूरा अगर डाउन कर देता हूँ, मिनिमम करता हूँ, तो ये ब्राइटनेस है मेरे, और ये टच स्क्रीन इसलिए प्ले हो जा रहा है, ये पूरा मिनिमम खत्म, मतलब पूरा डाउनग्रेड किया हूँ, तो ये स्क्रीन का लाइट है, और इसे मैं अभी फुल करता हूँ ये है। और इसके जस्ट बगल में एक है कीबोर्ड का लाइट जो है, कीबोर्ड के अंदर अभी लाइट नहीं जल रही है, मैं अगर इसे प्रेस करता हूँ तो कीबोर्ड की लाइट जलेगी, ये हाईएस्ट लाइट हो गया, अगर एक बार और प्रेस करते हैं तो इसे लो हो जाएगा, और अगर एक बार और प्रेस करूँगा तो ये बंद हो जाएगी। तो ये तीन फंक्शन है, अगर लाइट ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा अंधेरा है तो, या अगर लाइट थोड़ा नॉर्मल चाहिए कीबोर्ड का, तो उसके लिए भी है। और इसके जस्ट बगल में म्यूट है, उसका साउंड डिक्रीज साउंड का है, अगर मैं डिक्रीज करता हूँ, ये हाईएस्ट साउंड था, ऐसे मैं डिक्रेज करके अभी जैसे मिनिमम साउंड अगर दिखाता हूँ, तो देखिए ये अभी आपका 10 पे है, 2 पे, मतलब है आवाज़ है लेकिन कम है, बहुत कम है। और जैसे मैं इंक्रीज करता हूँ, आप देख सकते हैं साउंड क्वालिटी क्या है ना, साउंड यहाँ से है, इसका साउंड नीचे है, यहाँ पे है पैनल में, ये पैनल के यहाँ पे साउंड का है। तो अगर केबल पे रखते हैं तो इसका साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा आता है, अब बेड पे रखने के बाद ये साउंड दब दब जाएगी बेड के नीचे, तो उतना क्लियर नहीं आएगा, लेकिन टेबल पे बहुत अच्छा क्लियर साउंड आ रहा है, और आप देख सकते हैं साउंड क्वालिटी, और डॉल भी है अच्छी क्वालिटी, 100% मैंने इंक्रीज किया, तो आप देख सकते हैं, यह देखिए आप आवाज़ सुन सकते हैं इसके अंदर कितनी अच्छी आ जा रही है। और ये ओवरऑल है, जैसा कि मैंने कैमरा भी आपको बता ही दिया, दिखाई दिया, और जैसा कि मैंने कैमरा भी आपको दिखाया, आपको शटर सिस्टम है, तो सारा चीज़ है, आप म्यूट भी यहाँ से कर सकते हैं, माइक म्यूट करने का भी है, अगर आप किसी कॉल पे हैं तो माइक भी म्यूट कर सकते हैं इस बटन से डायरेक्टली, और वो कहीं और टीम्स पे जाकर प्ले करने मतलब म्यूट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आप इसको करेंगे तो माइक म्यूट हो जाएगा। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अभी तो मैं इसे मैं आपको कुछ दिन यूज़ करने के बाद मैं अच्छे खासा रिव्यू दूंगा कि ऐसा कैसा परफॉर्मेंस क्या है क्या नहीं है। तो अभी तो मैंने खरीद के लाया है, और ये पेन है, ये ओवरऑल ये पेन का जो मैंने दिखाया था, ये पेन का इसे टच पे काम करता है, जैसे कि मैं इसको चार्ज करना पड़ता है, ये पेन में ना ये दो ये अप एंड डाउन, इसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप इसको यूज कर सकते हैं, यहाँ पे पेन का ऑप्शन है, देखिएगा HP पेन करके आता है, इसे आप इनबिल्ट रहता है पेन, HP पेन, ये HP पेन कंट्रोल प्लस है ना, ये वाला एप्लीकेशन है जो है, इसे मैं अगर खोलता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते, अभी तो मैंने ये अगर यहाँ पे दो बटन है ना, ये लेफ्ट ये अप एंड डाउन, ये जो है टॉप एंड टॉप बटन, तो यहाँ पे क्या है ना, ये ड्रॉप डाउन करके आप अपने हिसाब से सेलेक्ट सकते हैं, अंडू शिफ्ट की और जो इससे कंट्रोल करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए ये ड्रॉप डाउन में, और यहाँ के बाद फिर आप इस ड्रॉप डाउन में आइएगा, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी, तो
टॉप बॉटन में, बॉटम में, बटन में, और ये बॉटम बॉटम बटन में आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके हिसाब से सिलेक्ट कीजिए, अप्लाई कीजिएगा, तो उसके हिसाब से वो सेट हो जाएगा। और सेट होने के बाद इसमें देखिए ये दो बटन, और इसके साथ इसमें चार्जिंग पॉइंट है जो कि सी टाइप का चार्जर है, जो लैपटॉप का चार्ज करने का ना वही पोर्ट यहाँ भी लगेगा सी टाइप का। तो इसमें भी यही है कि इसमें आप हमको यहाँ पे देख सकते हैं ये सी टाइप का पोर्ट है जिसको लगा करके चार्ज करेंगे। ये अभी पिन चार्ज नहीं है, इसलिए वहाँ से जब मैं लिया था तो उन्होंने बोला कम से कम एटलीस्ट 10 to 15 मिनट आप चार्ज कर लीजिए, उसके बाद ये काम करेगा। तो मैं इसको चार्ज करने के बाद ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। और इसमें एक और है ये पिन का, ये मैग्नेट है, यहाँ पे मैग्नेट है जो आप, ये मेटल बॉडी है, पूरा लैपटॉप मेटल बॉडी है, तो आप इसको यहाँ पे होल्ड करा सकते हैं, मतलब इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे ना तो ये कनेक्ट हो जाता है। अभी देख सकते हैं ये मैंने, अरे अभी कनेक्ट नहीं हो रहा, ये मेटल बॉडी है बट पता नहीं, मेरे को चार्ज करना पड़ेगा, चार्ज के बाद ही कुछ ये काम करेगा, बट यहाँ पे ये होल्ड हो जाता है, यहाँ पे चिपक जाएगी, या तो नहीं तो फिर इस मेटल पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रखने के बाद ये चिपक जा रहा है, तो आप पेन आप यहाँ पे चिपका सकते हैं, मतलब ऐसे रख दीजिएगा ना तो चिपक जा रहा है। तो इसमें मैग्नेट है हल्का, तो ये ओवरऑल है, मैं अभी ये काम नहीं कर रहा है, बिना चार्ज किए काम नहीं करेगा, और मैं हाथ से करूँगा तो देखिए काम करेगा, मैंने बंद किया। चलिए ये ओवरऑल रहा, और आपके आपको मैं कुछ दिन यूज़ करने के बाद मैं आपको सही से अच्छे से रिव्यू दूंगा कि इसमें क्या खराबियां हैं क्या अच्छा है। अभी तक तो अच्छा लगा, साउंड क्वालिटी टू गुड अच्छा है, कॉन्फ़िगरेशन भी अच्छी है, नॉर्मल वर्क के लिए और एजुकेशन पर्पस, और ये चाहे आप वर्क प्रोफेशनल हो तो भी अच्छा लग रहा है मेरे को, देख ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, कॉन्फ़िगरेशन अच्छी खासी है और फास्ट भी है, स्क्रीन का साइज़ भी अच्छा खासा है, और स्मूथ एक स्लिम मतलब डिसेंट टाइप का लैपटॉप लग रहा है, और इसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं तो अच्छा एक फीलिंग अच्छा देगा कि आप कहीं ओपन करते हैं ना पब्लिक प्लेस में तो अच्छी खासी इमेज बनेंगे। देखिए बैकग्राउंड ये रहा, एनबी का यहाँ पे लोगो है, एनबी का एक लोगो है यहाँ पे, और ये तो पूरा स्लिम है, आप देख सकते हैं ये स्लिम में आप देख सकते हैं, एक ये टोटल ओवरऑल मेरे को यहाँ पे स्क्रीन पे मतलब ये साइड में एक पावर केबल मिला जो कि पिन टाइप का है, एक एसडी कार्ड लगाने के लिए पोर्ट है, यहाँ पे यूएसबी है, तो यूएसबी का स्पेस उतना नहीं होता इसलिए यहाँ पर देखिए एक ये हल्का नीचे मूव करके तब यूएसबी डाला जाता है, ये यूएसबी का है, एक मिल गया यहाँ पे, एक यूएसबी है, और बैक कुछ नहीं है, और आगे मैं दिखाता हूँ इस साइड, और ये साइड आपका हो गया, एक यूएसबी इधर है, और दो सी टाइप का चार्जर है, आप लैपटॉप चार्ज करना चाहते हैं या मोबाइल चार्ज करना हो तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, दो सी टाइप का पोर्ट है यहाँ पे, तो टोटल एक दो यूएसबी है, दो सी टाइप है इसमें, और कुछ ऐसा नहीं है, बस ओवरऑल एक एसडी कार्ड का पोर्ट, एक पावर केबल का है, पावर नो सॉरी हेडफोन का है, सॉरी इधर हेडफोन का था, ये हेडफोन का है, सिंगल पिन हेडफोन का, तो ये रहा टोटल ओवरऑल। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, चलिए तब तक बाय बाय।